टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुर्खियों में भारत में तेंदुओं की आबादी बढ़ी स्टेटस रिपोर्ट के बारे में। आइए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया 2018 रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में तेंदुए की आबादी में 60% की बढ़ोतरी हुई है। इस वृद्धि के साथ ही भारत में तेंदुए की आबादी 12,852 हो गई है, जबकि 2014 में तेंदुए की आबादी 7,910 थी। आइए जानते हैं स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया 2018 रिपोर्ट की प्रमुख बातें। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 4 साल के अंदर तेंदुओं की आबादी में काफी वृद्धि हुई है। तेंदुओं की आबादी में वृद्धि वन्य जीवों के संरक्षण प्रयासों और जैव विविधता के प्रति जागरूकता का परिणाम है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों में तेंदुओं की सबसे ज्यादा आबादी दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश में 3,421, कर्नाटक में 1,783 और महाराष्ट्र में 1,690 तेंदुओं की गणना की गई है। इस लिहाज से तेंदुओं की संख्या के मामले में मध्य प्रदेश पहले, कर्नाटक दूसरे और महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में तेंदुओं की आबादी तो बड़ी है, लेकिन तेंदुओं के रहने के स्थान का क्षेत्र कम होता जा रहा है। तेंदुओं की आबादी का सर्वेक्षण बाघ की आबादी वाले क्षेत्रों में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत किया गया है, जबकि अन्य कृषि क्षेत्रों, गैर वन क्षेत्रों जैसे चाय और कॉफी बागानों व उत्तर पूर्वी भारत के अधिकतर भाग में तेंदुए की आबादी का सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तेंदुए की आबादी का सर्वेक्षण शिवालिक पहाड़ियों, गंगा के मैदान, मध्य भारत, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पूर्वी पहाड़ियों और ब्रह्मपुत्र के बाढ़ के मैदानों में किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में अवैध शिकार, निवास स्थान के क्षेत्र का कम होना, तेंदुओं के लिए आरक्षित प्राकृतिक शिकार का कम होना और मानव संघर्ष तेंदुए की आबादी के लिए बड़े खतरे हैं। आइए जानते हैं इससे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तेंदुए का वैज्ञानिक नाम पैंथरा पेडस है। तेंदुए को भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 साइट्स यानी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा में अपेंडिक्स 1 और IUCN की रेड सूची में वल्नरेबल श्रेणी में रखा गया है। अब बारी है आज के प्रश्न की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हाल ही में जारी स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया 2018 रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुए की आबादी में 60% की वृद्धि हुई है। दूसरा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों में तेंदुओं की सबसे ज्यादा आबादी दर्ज की गई है। तीसरा, तेंदुए को भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर है? ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।